नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। उमरान मलिक को मोदी ने दिया तोहफा। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि उमरान मलिक के उसमें नरेंद्र मोदी का नाम यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों आ रहा है। देखिए, दरअसल उमरान मलिक जो है आईपीएल 2022 सीजन के खत्म होने के बाद लगातार चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि आईपीएल 2022 में तो खैर उनका जलवा था। 22 विकेट लिए थे 14 मैचों में और लगातार 14 मैचों में फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। हालांकि उनकी जो डिलीवरी थी वो आईपीएल की दूसरी सबसे फास्टेस्ट थी, 157 किलोमीटर प्रति घंटे की। फाइनल मैच में अगर लॉकी फर्ग्यूसन उनसे ज़्यादा तेज गेंद नहीं डालते तो शायद उनको फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन का अवार्ड भी मिल जाता, बट उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार 14 वो अवार्ड जीते और 22 विकेट लिए और अपनी रफ्तार से कहर बरपाते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज होने वाली है 5 T20 मैचेस की, वहां पर उमरान मलिक का जो है चयन किया गया है और उन्हें इंडियन टीम में सिलेक्ट किया गया है। तो हम जल्द ही उमरान मलिक को ब्लू जर्सी यानी कि इंडियन जर्सी में भी देखने वाले। बट उसके बीच देखिए, उमरान मलिक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो सब दूर हर तरफ जो है उनकी वाहवाही हो रही है और साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उमरान मलिक को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। अब क्या है पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल उमरान मलिक ने जब अपना आईपीएल का जो सीजन है वो खत्म किया, वो घर गए, वहां पर वो घर वालों से मिले। उसके बाद राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनसे मुलाकात की, उनके घर पर उनसे मिलने गए, उनकी शाबाशी दी, उनको प्रेरित किया और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और जम्मू कश्मीर का नाम अब आप इंडिया में, पूरे इंडिया में रोशन करने जा रहे, क्योंकि अब इंडियन टीम से आप खेलने वाले। तो इसी बीच जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप किस तरह से उमरान मलिक को सपोर्ट करेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है या केंद्र सरकार है वो कैसे उन्हें सपोर्ट करेगी, तो उन्होंने बताया कि हम उनके ट्रेनिंग का खर्चा और बाकी सारी चीज़ें, जो भी फैसिलिटी वो चाहेंगे वो पूरी उन्हें प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर से और खिलाड़ी जो हैं भारतीय टीम में सिलेक्ट हो जाए, भारत को रिप्रेजेंट करें। बट उसके बाद जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि क्या उमरान मलिक को सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जी हाँ, खेल विभाग के तहत खेल के जो नियम है उसमें ये नियम ज़रूर है कि किसी खिलाड़ी को अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, अगर इंडियन टीम में खेलता है, तो फिर उसे सरकारी नौकरी मिलने का जो प्रावधान है वो है। क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं, जोगिंदर शर्मा जो 2007 के T20 वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे, जिन्होंने वो आखिरी गेंद पर मिसबाह उलक को आउट किया था, श्रीसन ने वो कैच पकड़ा था और भारत को पहला T20 खिताब जिताने में मदद की थी, उन्हें भी सरकारी नौकरी मिली। उसके बाद हरभजन सिंह का एग्जांपल लेते हैं तो उन्हें भी सरकारी नौकरी मिली। तो इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उमरान मलिक जो हैं उन्हें भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, ऐसा राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है संकेत दिए। तो ये देखना होगा कि क्या मोदी सरकार जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के फिलहाल जो है सरकार चल रही है, अभी चुनाव होने बाकी है जम्मू कश्मीर में, तो क्या ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकारी नौकरी का जो तोहफा है वो नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर उमरान मलिक को दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि उमरान मलिक ने जिस तरह से नाम रोशन किया है जम्मू कश्मीर का, चाहे बात करें आईपीएल 2022 के सीज़न में, और वो दूसरे खिलाड़ी थे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया था 4 करोड़ के प्राइज में, क्योंकि 2021 में खेले थे उमरान मलिक और उन्हें रिटेन किया इस बार सनराइजर्स हैदराबाद ने 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले, और उन्होंने वो ऐसा कमाल कर दिखाया कि अब उनका जो सिलेक्शन है वो इंडियन टीम में है और जल्द ही इंडियन टीम की जर्सी में यानी कि नीली जर्सी में दिखाई देंगे। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकारी नौकरी उमरान मलिक को मिल सकती है। तो आप प्रेडिक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या उमरान मलिक को मोदी सरकार जो है तोहफा देगी और क्या उमरान मलिक इंडिया के लिए भी ऐसा ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे जैसा उन्होंने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।